सरकार की ओर से चाहे आगामी चुनावों के मद्देनजर जनता को तरह तरह की सुविधाएं प्रदान करने के दावे कर रही है, मगर इन दावों के बावजूद भी मनरेगा मजदूरों को मनरेगा स्कीम कर अधीन करीब 1.5 माह पहले किए गए कार्य का मेहनताना अभी तक उनके बैंक खातों में नहीं आया है, जिसके चलते मनरेगा मजदूरों को किए कार्य के पैसे न मिलने के कारण मजदूर वर्ग में भारी रोष पाया जा रहा है, क्योंकि मजदूरों को पैसे न मिलने के कारण भारी मुश्किल में से गुजर रहे हैं। मामला विकास खंड इस्लाम नगर के गांव कृपालपुर में मनरेगा मजदूरों को किए काम की मजदूरी न मिलने पर मजदूरों में रोष व्याप्त है। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने करीब 1.5 माह पहले मनरेगा स्कीम के तहत तालाब की खुदाई कर करीब 8 दिन तक काम किया है, परंतु उन्हें आज तक इसकी मजदूरी नहीं दी गई। इस बारे में मनरेगा मजदूरों द्वारा जब पंचायत मुख्यालय में संपर्क किया जाता है तो उन्हें टाल मटोल कर वापस भेज दिया जाता है। मजदूरों का कहना है कि मजदूरी लेने के लिए हम सभी दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं कराया गया। आज आप यहाँ एकत्रित हुए, क्या मामला है आपका? यहाँ साहब ये मामला है, 1 महीना पहले इस तालाब में हम सब लोग मिलकर मजदूर लोग काम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई पैसे की वो नहीं मिल रही है हमें। कितना समय हो गया मजदूरी करे? मजदूरी करे 1.25 महीना हो गया हमें। अच्छा, फिर इसकी आपने कहीं अपने ग्राम प्रधान या रोजगार सेवा के अन्य कहीं ब्लॉक अधिकारियों को सूचना दी, जानकारी करी? सभी के लिए सूचना दे चुके हैं हम साहब। क्या कहते हैं वो? वे लोग ये कहते हैं कि साहब MB नहीं हो रही है तो हम क्या करें। अच्छा, हाँ जी। तो आपने कितने मजदूरों ने किया था यहाँ काम? यहाँ लगभग हमने काम किया है 80-90 मजदूर हैं। 90? तो 90 में से किसी व्यक्ति के नहीं मिल पाए? किसी के नहीं मिले हैं साहब अभी तक। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेघ सिंह। अच्छा, तो आप यहाँ एकत्रित हो, क्या मामला है पूरा आपका? मामला साहब जो है 1.25 महीना है गो, और हम सब लोगों मजदूरों की पेमेंट नहीं मिली है, और बोलो आदमी काम करता है तो मजदूरी कोई तो करता है। अच्छा, आपने मजदूरी के लिए कहीं ग्राम प्रधान रोजगार सेवा के अन्य अपने ब्लॉक अधिकारियों को कभी सूचित किया? हाँ साहब, सबको सूचित किया। क्या कहते हैं वो? वे कहते हैं साहब मिलेगा अभी, टाइम लागे वो अभी, MG नहीं भाई है रही। कितना समय हो गया आपको काम किए? है गो 1.5 महीना। 1.5 महीना? हाँ। अच्छा, कितने मजदूरों ने किया होगा आपके साथ काम? 80-85 आदमी ने काम करा हुआ साहब। अच्छा, हाँ। किसी का भी नहीं मिल पाया? किसी का नहीं मिल पाया साहब। ठीक, आप ग्राम प्रधान पति हैं और आपके यहाँ नरेगा मजदूरों का कहना है कि हम लोगों को काफी समय पेमेंट काम किए हो गया और पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, आखिर क्या ऐसी समस्या है जो मजदूरों को पेमेंट नहीं मिल पाया? सर, समस्या ये है, हमारे जो ब्लॉक के वर्कर हैं, TA हैं, जो एस्टीमेट MB बनाते हैं, और वो हमसे रुष्ट चल रहे हैं और हमारे काम में जो बिल्कुल सहयोग नहीं करते, हमको हर तरह से परेशान करते हैं, शोषण कर रखा है, पब्लिक में हमारी छवि धूमिल करना चाहते हैं। हमने जो है उनसे कहा था ये तालाब पे पुलिया का एस्टीमेट बना देना, वो एस्टीमेट नहीं बना के दिया तालाब। चलो हमने 6 सितंबर से इसको खुदान शुरू करा दिया, लेकिन उन्होंने MB ना करी, और मस्टोल जो है इसकी 7/9/99 से जारी हुई, और मस्टोल जारी होने के बाद में उन्होंने इसकी MB नहीं करी। वो पैसा चाहते हैं पहले, तो पहले अच्छा, पैसा चाहिए। आपकी ये जो जारी होती है कहाँ से होती है? वो MB TA होते हैं, मनरेगा तकनीकी सहायक। अच्छा, वो छुन्नन मियाँ हैं। छुन्नन मियाँ वो उनकी सब हरकतें हैं, वो हमारे काम को करते नहीं, और प्राइवेट तौर से एक धर्मपुर को एक प्राइवेट लड़का लगा रखा हुआ, बाकी घर के परिवार के कम से 25-30 जॉब कार्ड बना रखे हैं, तो कुछ काम उसके द्वारा कराते हैं और उसके खातों से पैसा भिजवा कर निकलवा लेते हैं। इसी मैटर में इन्होंने 420 का केस हमारे यहाँ किया था, धोखाधड़ी, मतलब चक्रोट नहीं पड़ा था, धरातल पर चक्रोट नहीं है, और उस चक्रोट के नाम से भुगतान किया गया है, और उस भुगतान का वो मैटर जो है, मामला जो है CGM कोर्ट में विचाराधीन है, ये हमसे अनमन मानते हैं इसी बात की, और हम पे दबाव डालते हैं कि आप जो शिकायत क्यों करते हो, जो हम परेशान हैं, पीड़ित हैं, हमारी जनता जो जवाब दे रही है, हम जनता बीच में रहेंगे तो हम जनता की सेवा नहीं करेंगे, जनता की सुनेंगे नहीं, जनता की हमदर्दी करने का हमारा फर्ज बनता है, और ये लोग हमें परेशान करते हैं, सबसे ज़्यादा ये छुन्नन मियाँ हैं। अच्छा, इन्हें छुन्नन मियाँ के तकनीकी अधिकारी जो आपके मनरेगा तकनीकी अधिकारी, इनके अलावा आपने कहीं उच्च अधिकारियों को सूचित कराया कि हमारा पेमेंट नहीं मिल पा रहा? हाँ, हमने जो है शिकायत जो CM हेल्पलाइन पर भी करी है,
और वो जो मनरेगा के डीसी होते हैं, मनरेगा जिला कमिश्नर, उनसे भी हमने कहा है। मैंने कहा साहब जिन्होंने ये एमबी नहीं कर रहे, पब्लिक का जो मजदूर लोग जो हमारे घर पे आते हैं वो हमसे कहते हैं मजदूरी कम मिलेगी, कैसे मिलेगी, और ये हमको परेशान करवा रहे हैं छन्नन मियाँ। अच्छा, हमने वीडियो साहब से इन्हें हटाने को भी कहा, लेकिन इनकी पत्नी ब्लाक में बाबू हैं इसलिए ये दबंगई दिखाते हैं और काम भी करके नहीं देते और परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। मनरेगा सहायक तकनीकी अधिकारी आखिर पेमेंट नहीं डाल पा रहे हैं, आखिर इसकी क्या समस्या है? आपको कुछ ऐसा आपको एहसास हुआ? एहसास है साहब, एहसास वो ये घूसखोरी को और का एहसास है? घूसखोरी चाहिए उन्हें, पहले चाहिए, पहले कहाँ से दे दें? मजदूर आदमी मजदूरी कर रहा हुआ मिट्टी खोद कर डाल रहा हुआ तो पहले पैसा वो लेगा, वो जाएगा और वो उनके खातों में पैसा जा रहा है, हमें इसे कहाँ से दे दें? ये हमसे पैसे मांगते हैं 10%, कहते हैं कि 10% चाहिए मुझे, तब मैं एमबी करूँगा, नहीं नहीं करूँगा। अच्छा, पहले आपने कभी दे चुके हैं क्या? पहली बार डिमांड आ रही है लग रही है आपको? अब वो पहले रोजगार सेवक के द्वारा जी लेते हुए रहे हैं और जो हम तक यही सवाल रखो जाए, वजह से हमारा कार्य प्रभावित कर रहे हैं जी। अच्छा, हाँ ठीक सर, धन्यवाद।